हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे से होंगे माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत आज की क्लास में हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो तो चलिए हम शुरू करेंगे आज की क्लास को

The Jammu and एंड कश्मीर Bill was introduced in Rajya Sabha on dash. आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन बिल जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में किस डेट पे ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दैट इज फिफ्थ ऑफ ऑगस्ट 2019 और इसी डेट पे इस बिल को पास किया गया था राज्यसभा में और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था राज्यसभा में बाय द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह और इसके अगले दिन ही सिक्स ऑफ ऑगस्ट 2019 को लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसी दिन इसको लोकसभा में पास किया गया था बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के बारे में द जम्मू एंड कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ट्वेंटी नाइनटीन रिसीवड एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑन आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को प्रेसिडेंट का एसेंट किस डेट पे मिला था ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दैट इज नाइन्थ ऑफ ऑगस्ट 2019 ये वाला क्वेश्चन जो है मार्च के जीके पी एस आई पेपर में पूछा गया था और उस टाइम पे इंडिया का प्रेसिडेंट कौन था दैट वाज़ रामनाथ कोविंद ठीक है और ये इंडिया का फोर्टीन प्रेसिडेंट था करंटली इंडिया का फिफ्टींथ प्रेसिडेंट कौन है द नेम इज द्रौपदी मुर्मू ठीक है यह पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में द जम्मू एंड कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ट्वेंटी नाइनटीन केम इनटू फोर्स ऑन डैश आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ट्वेंटी नाइनटीन किस डेट पे फोर्स में आया था सबको पता है ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दैट इज थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी नाइनटीन अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन रहेगा वाई ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर क्यों इसी डेट पे इसको फोर्स में लाया गया था बिकॉज इस डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल यूनिटी डे नेशनल यूनिटी डे और इस डेट पे किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की वल्लभ भाई पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे ही वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया यह पॉइंट भी आप याद रखोगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में द जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंसिस्ट्स ऑफ डैश पार्ट्स। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ट्वेंटी है इसमें टोटल कितने ऑप्शन नंबर बी बी विल द राइट आंसर रखा हुआ है आप इसको देख सकते हो पार्ट वन इज प्रिलिमिनरी रिओर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन डिलिमिटेशन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस सी एस टी ऑर्डर कोर्ट एडवोकेट जनरल थोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज प्रोविजन रिगार्डिंग द कॉरपोरेशन प्रोविजन एज टू सर्विसेज लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजन ये सारे के सारे फोर्टीन पार्ट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में एज ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन द जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट ट्वेंटी नाइनटीन कंसिस्ट ऑफ आपको सिंपली बताना है जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में टोटल कितने सेक्शन हैं और टोटल कितने शेड्यूल्स हैं ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर 103 हंड्रेड थ्री सेक्शन फाइव शेड्यूल्स और पार्ट्स कितने आते हैं फोर्टीन पार्ट्स ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपको एज इट इज याद रखने हैं ये वाला क्वेश्चन मार्च के जेके पी एस आई पेपर में पूछा गया था आप पांचों के पांचों शेड्यूल्स का भी आपको पता होना चाहिए डिटेल्स ठीक है शेड्यूल वन की अगर हम बात करेंगे ये डील करता है विद द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा की बात हो रही है जम्मू एंड कश्मीर से राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर्स आएंगे चार मेंबर्स शेड्यूल सेकंड हमें बताता है रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में यानी कि लोकसभा की बात हो रही है पांच मेंबर्स जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर से एंड एक मेंबर जाएगा लद्दाख से शेड्यूल थर्ड बात करता है रिगार्डिंग द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है टोटल नंबर ऑफ सीट्स इसमें कितनी है 107 जिसके जिसमें से 24 सीट्स रिजर्व रखी गई है वैकेंट रखी गई है फॉर पी ओके और आफ्टर डीलिमिटेशन जो 2022 में ही हुई थी इसके बाद इसमें टोटल सीट्स जो है वो राइज़ हो गई है टू 114 जिसमें से 43 सीट्स आ रही है जम्मू प्रोविंस के लिए 47 सीट्स आ रही है कश्मीर प्रोविंस के लिए टोटल में 90 बन जाता है नंबर और 24 सीट्स वैकेंट है पीओके के लिए ठीक है

थ लेस्लेचर ठीक है शेड्यूल वन हमें क्या बताता है जो टाइटल रखा गया है इस एक्ट uh, uh, का दैट इज द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 शेड्यूल सेकंड बात करता है रिगार्डिंग द डेफिनेशन जो भी इस आर्टिकल में या इस एक्ट में टर्म्स यूज की गई है उन सभी टर्म्स की डेफिनेशन सेक्शन टू में आपको देखने को मिल जाती है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट के बारे में एज पर दम्मू एंड कश्मीर री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ट्वेंटी आपको बताना है एज पर दूड कश्मीर री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ट्वेंटी में कौन कौन सी टेरिटरी आ जाती है ठीक है जो की पहले स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दैट इज कारगिल एंड लेट्रिक्ट यह वाला क्वेश्चन बी मार्च के जेके पी एस आई पेपर में पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दियर शल बी एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड शल बी डेजिग्नेटेड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको बताना है जो एडमिनिस्टर करेगा यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ठीक है जिसको हम बोलेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन करके रखा गया है ठीक है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दैट इज आर्टिकल 239, ठीक है और ये चीज किस सेक्शन में मेंशन करके रखी गई है जम्मू एंड कश्मीर एक्ट में इट हैज बीन मेंशन अंडर सेक्शन सब सबसेक्शन वन ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में विच आर्टिकल ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉलोड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यू टी ऑफ़ लद्दाख आपको यू टी ऑफ़ जम्मू एंड कश्मीर आपको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल फॉलो किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए यू टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दैट इज आर्टिकल टू हंड्रेड थर्टी नाइन एंड ए इट हैज़ बीन मैंशनड अंडर सेक्शन थर्टीन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ठीक है और यही वाला मॉडल फॉलो किया जाता है कहां पे पुडुचेरी में भी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं विच सेक्शन प्रोवाइड्स द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपको बताना है वो कौन सा सेक्शन है जो कि प्रोवाइड कर लेता है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को लेजिस्लेटिव असेंबली किस सेक्शन में ये चीज मेंशन करके रखी गई है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दैट इज सेक्शन फोर्टीन सेक्शन टू बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में एज पर द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ट्वेंटी नाइनटीन हाउ मेनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव कैन बी नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपको बताना है एज पर जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ट्वेंटी कितनी को नॉमिनेट किया जा सकता है ऑप्शन नंबर बी दू ये वाला क्वेश्चन भी मार्च के जेके पी एस आई पेपर में पूछा गया था ओके okay? और ये चीज कहा है इट हैज बीन मैं सेक्शन 15 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019

डिफाइन करके रखा गया है उन सभी टर्म्स को डिफाइन करके रखा गया है जो भी इस एक्ट uh, में मैंशन है सेक्शन सिक्सटीन बात करता है रिगार्डिंग द uh, अगर हम सेक्शन नंबर सिक्सटीन की बात करेंगे यह बताता है रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एज इट इज आपको यह पॉइंट पता होना चाहिए और अगर हम सेक्शन फोर्टी वन की बात करेंगे सेक्शन फोर्टी वन बात करता है रिगार्डिंग द एनुअल फाइनेंशियल बिल्स एनुअल फाइनेंशियल बिल्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अंडर विच सेक्शन द लेजिस्लेटिव असेंबली मे बाय लॉ एडॉप्ट एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेज इन यूज इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज ऑफिशियल लैंग्वेज आपको सिंपली बताना है कि वो कौन सा सेक्शन है जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट का जहाँ पे बात की जा रही है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दैट इज सेक्शन फोर्टी ओके अब अगर हम सेक्शन फोर्टी की बात करेंगे ये भी लैंग्वेज के रिलेटेड ही है सेक्शन सॉरी अगर हम हाँ सेक्शन फोर्टी की अगर हम बात करेंगे ये भी बात करता है रिगार्डिंग द लैंग्वेज टू बी यूज फॉर बिल्स एंड एक्ट ठीक है सेक्शन फोर्टी सिक्स अगर हम देखेंगे ये हमें बताता है रूल ऑफ प्रोसीजर क्या रहेगा रूल ऑफ प्रोसीजर और इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट विल बी यू आर सेक्शन नंबर थर्टी फोर सेक्शन थर्टी फोर मैं यहां पर लिख लेता हूं रिस्ट्रिक्शन ऑन लॉज पासड बाई लेजिस्लेटिव असेंबली विथ रेस्पेक्ट टू सर्टेन मैटर्स यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वह सर्टेन मैटर्स के रिलेटेड लॉज नहीं बना सकते हैं उनपे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है और कौन कौन से मैटर्स पे लाइक पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर थर्टी फोर ठीक है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन के बारे में Under which section there shall be a council of ministers consisting of not more than 10% of the total number of members in the legislative assembly? आपको बताना है वो कौन सा सेक्शन है जहां पे ये मेंशन करके रखा गया है रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने मेंबर्स हो सकते हैं नॉट मोर देन टेन परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ये किस सेक्शन में मैंशन करके रखा गया है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दैट इज सेक्शन फिफ्टी ठीक है या सेक्शन फिफ्टी थ्री सेक्शन वन बी आप बोल सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं

So the right answer of our question राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर विल बी ऑप्शन एज से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में स्पेशल असेंबली इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। आपको बताना है स्पेशल एड्रेस किसका स्पेशल एड्रेस लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहाजिस्टिव असेंबली में यह किस सेक्शन में मैंशन करके रखा गया है द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए सेक्शन ट्वेंटी वन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं यूटी ऑफ लद्दाख विल बी एडमिनिस्टर्ड बाई द प्रेसिडेंट आपको सिंपली बताया जा रहा है जो यूटी ऑफ लद्दाख होगी उसको एडमिनिस्टर कौन करेगा प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट क्या करेगा अपॉइंट करेगा किस को अपॉइंट करेगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दैट इज लेफ्टिनेट गवर्नर और ये कहां पर मैंशन है यह चीजें मैंशन करके रखी गई है सेक्शन फिफ्टी एट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट ट्वेंटी नाइनटीन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में the legislative assembly of the jammu and kashmir may make laws for any part of the union territory of jammu and kashmir related to any matters uh, specified in the state list of the constitution except आपको सिंपली बताना है आपको सिंपली बताया जा रहा है जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी जम्मू एंड कश्मीर की वो सारे के सारे स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर्स मेंशन करके रखे गए हैं उन सभी पे लॉज बना सकते हैं एक्सेप्ट किस पे लॉज वो नहीं बना सकते हैं ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस जो कि ऑलरेडी मैंने आपको इसी सेशन में बताया और ये कहां पर है सेक्शन थर्टी फोर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट ट्वेंटी नाइनटीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मस्ट एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी विद इन डैश डेज जब ये एक्ट लागू किया गया था ठीक है जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 तो उस टाइम पे एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी ठीक है और जो भी एडवाइजरी कमेटी रिकमेंडेशंस देगी लेफ्टिनेंट गवर्नर को उन रिकमेंडेशंस पे एक्ट करना पड़ेगा कितने दिनों के अंदर अंदर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दैट इज 30 डेज और ये भी कहां पे मेंशनड है इट हैज बीन मेंशनड अंडर सेक्शन एटी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ट्वेंटी और ये किस पार्ट के अंदर आता है पार्ट 12 पार्ट 12 के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फॉलोइंग पर्सन में नॉमिनेट टू मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू वोमे आपको सिंपली बताना है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दो वोमेन्स को नॉमिनेट किया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ठीक है और उनको नॉमिनेट कौन कर सकता है उन दो वो रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉमिनेट कौन कर सकता है ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर लेट स्टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू नाउ हाउ मनी सेंट्रल लॉज आर नाउ एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपको बताना है कि कितने सेंट्रल लॉज को अप्लाई किया गया है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दैट इज वन हंड्रेड एंड सिक्स ओके और कितने स्टेट लॉज को रिपील किया गया है कितने स्टेट लॉज को रिपील किया गया है वन हंड्रेड मैंने आपको बताया ये कहाँ पे है It has been

आपको बताना है सेक्शन फोर्टीन सेक्शन थ्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करके रखा गया है कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहेगी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑफ यूटी कश्मीर लेजिबली वन हंड्रेड सेवन अब उसको इंक्रीज किया गया है कहां तक वन हंड्रेड फोर्टीन तक ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ठीक है और ये इसी साल रिलिमिटेशन किया गया है जहां पे सात सीट्स को ऐड किया गया है ऑलरेडी मैंने आपको बताया 43 सीट्स रहेगी आप किसके लिए जम्मू प्रोवेंस के लिए, लिए? ठीक है एंड फोर्टी सेवन सीट्स रहेगी किस प्रोविंस के लिए कश्मीर प्रोविंस के लिए टोटल में आ जाता है ये नाइनटी प्लस ट्वेंटी uh, फोर सीट्स वैकेंट रखी गई है फॉर टोटल में वन हंड्रेड फोर्टीन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट ट्वेंटी द यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर इज आपको बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट ट्वेंटी के मुताबिक किस यूटी को क्रिएट किया गया है विदाउट लेजिस्लेचर ऑप्शन ए जम्मू ऑप्शन बी कश्मीर ऑप्शन सी लद्दाख ऑप्शन डी कारगिल ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दैट इज लद्दाख ये कहां पे मैंशन है ऑलरेडी ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया सेक्शन थर्ड ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ट्वेंटी में मेंशन है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ट्वेंटी डीस विद द पॉर टू रिमूव डिफिकल्टीज आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट का कौन सा सेक्शन डील करता है विद द पावर्स टू रिमूव डिफिकल्टीज ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दैट इज सेक्शन वन हंड्रेड थ्री ठीक है एज इट इज आपको ये पॉइंट याद रख लेना है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं देयर आर डैश नंबर ऑफ क्शन इन पार्ट नाइन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर री ऑर्गेजेशन एक्ट ट्वेंटी आपको बताना है पार्ट नाइन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ट्वेंटी में टोटल कितने सेक्शन आ जाते हैं ओनली वन सेक्शन ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ठीक है section, right answer, और वो सेक्शन कौन सा है दैट सेक्शन इज सेक्शन सेवनटी नाइन और इस सेक्शन सेवनटी नाइन में क्या चीजें मैंशन करके रखी गई है एडवोकेट जनरल के बारे में एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अंडर सेक्शन फोर्टीन सबसेक्शन फोर क्लॉज ए ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट ट्वेंटी नाइनटीन डैश नंबर ऑफ सीट शल रिमेन वैकेंट फॉर पी ओ के ऑलरेडी हमने ऑलरेडी बहुत बार किया ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ट्वेंटी फोर सीट्स को क्या रखा गया है वैकेंट रखा गया है फॉर पी ओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एक्ट डील्स विद रिओर्गेमिटेशन ऑफ आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट का कौन सा पार्ट कौन सा पार्ट डील करता है विद द विदीमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दैट इज पार्ट फिफ्थ ठीक है एज इट इज आपको याद रख लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं विद सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिल्स आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट का कौन सा सेक्शन डील करता है स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दैट इज सेक्शन थर्टी बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में विच पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर डील्स विद द अपॉइटमेंट ऑफ लेफ्टिनेट गवर्नर ऑफ यू टी ऑफ लद्दाख आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा पार्ट डी करता है विद द अपॉइटमेंट ऑफ एल जी ऑफ द यू टी ऑफ लद्दाख ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दैट इज पार्ट फोर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर और पार्ट फोर में भी खाली एक ही सेक्शन आता है और वो कौन सा सेक्शन है सेक्शन नंबर फिफ्टी एट ठीक है तो होपफुली आज के सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे इन केस आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं ठीक है और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप इस नंबर पे मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो सिक्स डबल जीरो सिक्स वन थ्री डबल एट जीरो टू आपको ये पी डी एफ में वही पे शेयर कर सकता हूं ठीक है तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में चिल्ड एन टेक आ वेरी गुड केयर ऑफ ये सेल्फ गुड बाई